नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है टीकमगढ़ के मोहनगढ़ से, जहां एक तरफ तो प्रशासन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में गरीब मजदूर और किसानों को तमाम प्रकार की सहायता देने की बात कर रहा है, और वहीं किसी गरीब मजदूरों के घरों व खेतों की लाइट काटी जा रही है। ऐसा ही ताज़ा मामला मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत खाकरौन के ग्राम सिद्ध गणेश का है। यहाँ के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाए हैं कि विद्युत विभाग ने हमारे ग्राम में बिना नोटिस और बिना सूचना दिए सारे ग्राम की लाइट काट दी है। जब हम लोगों ने इस बारे में लाइनमैन से बात की तो उनका कहना था कि आप लोगों का बिल बकाया है, इसलिए लाइट काटी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और कोरोना की वजह से 3 माह से लॉकडाउन है, इसलिए कोई काम नहीं मिला है। पूरे गांव की आबादी करीब 500 से अधिक है। ग्राम पंचायत में मजदूरी नहीं मिलने से अधिकांश लोग शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने गांव आ पाए हैं। हमें प्रशासन से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। अब ऐसी गर्मी में हमारे गांव की बिजली काट दी गई है, जैसे गर्मी के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं, हम इतने भारी भरकम बिल कहाँ से भरें। ग्रामीण मंगल सिंह चड्ढार, सुनील चड्ढार, हरगोविंद अहरवाल, श्यामलाल पाल, मलखान पाल, मीटर रीडर कभी नहीं आता है। अंदाज से भारी भरकम बिल हम लोगों को थमा दिए जाते हैं। अधिकांश घरों में तो पूरा परिवार बाहर रहता है, फिर भी भारी भरकम बिल आ रहे हैं। गर्मी लग रही, गर्मी, घर में पंखा वंखा नहीं चल रहा है क्या? लाइट नहीं दे रहे, काट गए, लाइट काट गए, काहे काट गए लाइट? पैसा दे जाओ, कई पैसा कहाँ से दे देबे बताओ? लॉकडाउन लगाओ, पैसा मंजूरी खावे तो जुड़नी आओ। हाँ, कहके बिल जमा करो, जब बिल जमा करो कहाँ से काहे देबे? अच्छा, वो आप लोग मास्क नहीं लगाए तो का ग्राम पंचायत से आप उनको मास्क नहीं बांटे गए? भोजन मिल रहा ग्राम पंचायत में, मिल रहा स्कूल में, मिल रहा कछु? मजबूरी मिल रही ग्राम पंचायत? मजबूरी तो एक उनके बाप दे, मजबूरी दे भी तो आप उनको खर्चा नहीं चल रहा हूँ? कहाँ खर्चा चल रहा, 500 रुपए 250 जा कर के बे खा ले भी। हाँ। वो गैस भरवा 200 के बस, अब यूं खुश हो गैस भरा। अब 12 की परीक्षा आ गई, मॉर्निंग मॉर्निंग की लाइट ना रहे तो भी पढ़ाई कैसे कहें? अब का पता है, बे देख ले बे का से कहें, अब आंखें मीच के कहें के इंडिया में कहें के उजिया में कहें काय में कर दई। हां, चाहे 12 की हो, चाहे 1 की हो, चाहे 10 की हो। भाई साहब आपका नाम? अवधेश प्रताप सिंह नाम। सर, आप ऐसी दोपहर ही में खाली बनियान में घर से बाहर क्यों बैठी? इस वजह से बैठे कि अंधा बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। लाइट की समस्या है, हेल्पर लोग लाइट काट देते हैं तो लाइट देते नहीं है, ऊपर से आदेश है कि दिन ना रात लाइट मिल रही है। हाँ। कहाँ से लाइट मिल रही है, हैरान हो रहा लोग, मर रहे बच्चे गर्मियों में। डॉक्टर के पास जाया तो डॉक्टर लोग इलाज भी करवावे के लाने चक्कर में, लेकिन लाइट नहीं मिल रही है तो वे लोग भी परेशानी स्थिति में है, क्या करें बोलिए आप। ये समस्या चल रही है लोग। अच्छा, सरकार तो कह 24 घंटा लाई, सरकार का कहना क्या है? जब यहाँ पर हम किसान लोग हैं, जैसे हम लोगों को मिले कि लाइट मिल रही है तब तो हम मानेंगे कि लाइट मिल रही है, यहाँ कहाँ मिल रही है लाइट? रात्रि में बच्चे कहाँ सोते हैं? रात्रि में ऊपर छत पे ले जाए गलियन में, जैसे ठंडक है रोड पे ऐसे पारते हैं जैसे कहीं, अब लाइट की व्यवस्था नहीं है तो क्या क्या करेंगे। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट।